हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कल हम पहुँच चुके थे नेपाल के पोखरा लेक, और पोखरा लेक के दृश्य जो आप देख रहे हैं शानदार शानदार से। तो ये सारा कुछ एक्सप्लोर करने के बाद हम बढ़े अपनी आगे मंजिल की तरफ, और हमारा प्लान था यहाँ आसपास के इलाके में कहीं पे नाइट कैंपिंग करने का। तो दोस्तों, यहीं से थोड़ा आगे हमें नेपाल के सीढ़ी विलेज पहुँचे, और रास्ते में ये एक बौद्धिस्ट टेम्पल पड़ा, तो इसमें भी दर्शन करने के लिए गए। देख रहे हैं आप, और दोस्तों देख रहे हैं ये पेयर व्हील्स, इसके अंदर शायद बौद्धिस्ट मंत्र लिखे होते हैं जिनको घुमाने से शायद में भी विशेष पूरी होती हैं। दोस्तों, इसका दर्शन करने के बाद हम बढ़े अपनी मंजिल सीढ़ी विलेज की तरफ, और वहाँ से हमें एक लोकल पीपल मिल गए थे और उन्होंने हमें रहने के लिए एक जगह बताई, और उनके साथ हम बढ़े उनके खेतों की तरफ। अच्छा, और यहाँ का व्यू देखिए भाई, ऑसम। यहाँ हमारा आज नाइट स्टे होगा, कैंपिंग करेंगे। क्या नाम है? समीर। और दोस्तों, उन अंकल ने जो हमें जगह दिखाई थी दोस्तों, वो देखो कितनी शानदार है यार। चारों तरफ हरियाली हरियाली, और पोखरा लेक के बिल्कुल जस्ट बगल में एक छोटे से माउंटेन के ऊपर इनका खेत है, उसी के पास हमें रहने के लिए इजाज़त दी। और हमने सोचा अब हम यहीं कैंपिंग करेंगे, क्योंकि हमें कुछ सुविधाएं, पानी वगैरह ये लोग यहाँ से दे सकते थे, और भी जो हमें कुछ ज़रूरत की चीज़ें हमें ज़रूरत होती। तो ये थी इनकी फैमिली, संतोष भैया इनका नाम था, और ये इनकी प्यारी सी बेटी शमायरा, देखो कितनी क्यूट है, और ये है इसकी बिल्ली का बच्चा। तो दोस्तों, ये थी हमारी कैंपिंग साइट जो हमने नेपाल के सीढ़ी विलेज के अंदर खोजी, ये प्यारा सा पप्पी। और फिर हमने अपना जो है कैंपिंग का सेटअप लगाना चालू किया। मेरा दोस्त धर्मेंद्र पानी वगैरह लेके आया, और बाकी की चीज़ें जो है मैंने साफ सफाई करी यहाँ पर, और उसके बाद हमने टेंट लगाने की प्रक्रिया चालू करी दोस्तों। तो ये रहा हमारा कैंप जिसको आज रात हम यहाँ लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये एकदम रॉ नेचर के अंदर कैंपिंग करने का कुछ अलग ही मज़ा होगा। आज रात बिल्कुल एडवेंचरस होने वाली है। अच्छा, एक बात है, हम टेंट लगा भी पहली बार ही रहे थे दोस्तों, लेकिन ये साइट बहुत अमेजिंग थी। देखो दोस्तों, टेंट लगने के बाद में ये मैंने कुछ फोटोज वगैरह लिए, कितना खूबसूरत लग रही है ये जगह। ये मेरी कुछ फोटोग्राफी है, और ये रिलोकेशन। इसके बाद मैंने कुछ साग सब्जी लेने के लिए धर्मेंद्र को मार्केट भेजा, और ये आ गया मेरा दोस्त धर्मेंद्र साग सब्जी लेके वापस। सब्जियां वगैरह जो है लेने गया था। तो यहाँ मच्छर बहुत लग रहे हैं, मच्छरों के लिए हम जला रहे हैं यहाँ पे आग। आग की वजह से ये किससे जलेगी? जलेगा। पहले इसके बेस बना लकड़ी का। लकड़ी का बेस बना, या फिर इनका बेस बना। हाँ, लकड़ी का बेस तो बन जाएगा, पहले आग तो पकड़। मैं बता रहा हूँ ना, आज ऐसे नहीं जलाएगा। सर्वाइवल सिखाऊंगा तुम्हें जंगल के अंदर। तो बच्चों, गाइस, मैं चल रहा हूँ ट्रेनिंग पे, और लक्की भाई को एक्सपीरियंस, और ये मुझे लेके आए हैं ट्रेनिंग देने, और ये लगा रहे हैं आग जो कि मैं नहीं लगा पाया था। ओ गाइस, जैसी जगह हम रुके ना भाई, मजे ही आ जाएगा। ये हमारे दोस्त हैं किंटू भाई, लगी आग।
तो गाइस मैं हूँ अभी समय नेपाल में, और नेपाल के अंदर मैं बना रहा हूँ यहाँ पर अंडा करी। मैं यहाँ पे रात को नाइट कैंपिंग कर रहा हूँ, और मैं दिखा सकता हूँ कि मैं कैसी जगह पे स्टे करा हुआ हूँ। आप देखिए, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है। एक छोटा सा गांव कह लो, गांव काइंड ऑफ गांव कह लो, विलेज, बट विलेज है नहीं प्रॉपर। हमारा सेटअप, इसमें हम अंडा करी लगा रहे हैं, सारी चीज प्रिपरेशन जो है वो रेडी है। ये हमारी क्या ये है हमारा बल्ब, और ये है पीछे खेत, ये पहाड़ों का भी। ये है हमारा कैंप। वे एक वीक के आया था, लेकिन आज 10 दिन होने वाले हैं। मगर तुझे पता है, या तो डर लगाता है, ये नहीं आता। क्या नहीं हटना? ये नहीं आता। बहुत पैसे खर्च किया हमने यहाँ आने के लिए, छूट बचाए। समझो तुम दोनों भाई लोग तुम्हारे घर में आके बैठे हैं। अच्छा, क्या चाहिए? क्या है वो ऑफर कर रहे हैं? हमारे पास सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैडम ले आऊं? लिया आधा किलो हो जाएगी, आधा किलो में ज्यादा ही हो जाएगी। आधा किलो तो एक पाव में हो जाएगा क्या? आधा किलो ले, थोड़ा उसमें क्या छिड़कना पड़ता है ना उसे बेलने के लिए। आधा किलो मैदा और आधा किलो दूध? नहीं 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 नहीं, वो रोटी बनाने वाला गाँव का होता है आटा, एक पैकेट में आधा किलो वाला, एक किलो वाला मिलेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा मेरे। ठीक है, हिंदू चल रहा है, नंबर देख लिया चल रहा है। देखिए गांव के लगे ना, कर दिया देख फटाफट, है ना इनको आता है नहीं छूट। हाँ, पैशन। हाँ, जब आप लोग किसी लोग पूछेंगे ना तुम्हारा पैशन क्या है, आप बोलेंगे मैं एक बिजनेस हूँ। हाँ, सब बताए ना, मेरे पैशन हॉर्स राइडर का, राइडर बनने का सपना था। सब खत्म, हॉर्स राइडर। हाँ, अभी भी करता हूँ, मालिक कभी कभी बुलाता है, गाइडिंग भी करता हूँ, ट्रेकिंग भी लेके जाता हूँ। अच्छा, मुंबई जाके क्या रहे हैं? बहुत दिन हो गए, आज क्या खिला रहे तुम? आज आपको खिला रहा है नेपाली कड़ी। इंडियन कड़ी तो बहुत खाई होगी, ठीक है, लेकिन आज खिला रहा हूँ आपको नेपाली कड़ी, नेपाल में रहती है। अंडा करी हो? नेपाली अंडा करी, नेपाली अंडा करी। अच्छा ये बताओ भाई, हर होटल के आगे लिखा हुआ है थकाली भोजन या थकाली थाली, तो थकाली क्या होता है? थकाली रेस्टोरेंट होता है। अच्छा, मतलब थकाली का मतलब एक रीजन का नाम है थकाली, वही मुझे लग रहा था। जैसे हिमाचली हो गया, उत्तराखंड में भी, समझ गया, बिहारी भोजपुरी, भोजपुरी लग रहे। हाँ, मैं लगते नेपाली नहीं आती है, मानता भी है, कहता भी है पूरे रस्ते में, कह रहा मेरे को सब नेपाली असली समझता, बस बात नहीं आते मुझको, वरना कोई ठग नहीं पाएगा।
मतलब बस ना मेरे को भाषा हो रहा था, कोई सब नेपाली समझते हैं। ओ भाई बिल्ली बिल्ली तो बहुत खतरनाक है। बिल्ली बिल्ली देखी भाई, निकाल दिया वो टेंट फाड़ देगी। ऐसी चीजों में नाखून मारने में बड़ा मजा आता है बिल्ली को ना। पता है मुझे साउंड मिर्च भी डाल दी थी ना। हाँ अब ठीक है। साउंड ठोकना था आज। अच्छा ये ट्रैवलिंग गए थे। ट्रेनिंग कहाँ से आए हो आप लोग? दिल्ली से। दिल्ली से क्या क्या है? आलू अंडा आलू अंडा करी बनाऊंगा। भूज लिया तो फ्राई करके ही रखा था अभी। अंडे भी फ्राई किया कि भाई ने भेज दिया मेरे को दूध लेने और आटा लेने। तो मैं चला दूध और आटा लेने इन वादियों में, खूबसूरत वादियों में। आपको दिखाता हूँ वादियाँ। मुझे यहाँ पर चलने में बहुत मज़ा आ रहा है ट्रेकिंग में। और मैं तो सामान लाने के लिए डेली मतलब रेडी हूँ, जब मर्जी मंगाए सामान। आपको वादियाँ दिखाता हूँ यहाँ। यूँ ही चला चल रहा ही, यूँ ही चला चल रहा ही, कितनी हसीन है ये दुनिया, देखे सारे झमेले, कितने हसी रंगेले, कितनी हसीन है ये दुनिया। यूं ही चला चल रहा ही, यूं ही चल रहा ही, कितनी हसीन है ये दुनिया। देख रहे भाई वादियों में अलग ही मजा आ रहा है कुछ। और थोड़ा सा आगे जाके सुपरमार्ट है जहाँ से हम लेंगे थोड़ा सामान वगैरह। मैं हमें लेना है आटा क्योंकि अब रोटी बनाएंगे। अब पहले हमारा प्लान रोटी बनाने का नहीं था। और लेना है दूध, साथ में चाय पीनी है। चाय पियेंगे थोड़ा क्योंकि फर्स्ट टाइम हम कैंपिंग कर रहे हैं तो थोड़ा चाय वाय रात में हो सकता है, थोड़ा जगह थोड़ा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, बाकी की वीडियो हम आपको कल के ब्लॉग में दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सत श्री अकाल।